जननी राधे को जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन राधा तू बड़े भागिनी कौन तपस्या की तीनों लोक के नाथ है सो तेरो जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जन भैरव गिरिवर धारी गोपी जन भैरव गिरिवर धारी गोपी जन भैरव गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदा नंदन ब्रज जन रमियन यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन यशोदा नंदन ब्रज जन रमियन यशोदानन्दन ब्रज जन रमियन यशोदानन्दन ब्रज जन रमियन यशोदानन्दन ब्रज जन रंजन मुन तिरवन चारे मुन तिरवन चारे मुन तिरव मुन तिरव्रनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी 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 गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी
भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला 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 भज गोविंद गोविंद गोपाला भज भज गोविंद गोविंद गोपाला जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गोपाल 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 जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल जय जय नंद यशोदा दुलार गिरिवर धारी गोपाल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, सभी लोग आइए, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Jaya Radha Shyam Sundara, Radha Shyam Sundara, Radha Shyam Sundara, Hare Jaya Radha Jaya Goranitai, 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 Jaya Goranitai, Jaya Jaya Prabhupada,
प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद नित गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित गौर हरि बोल धर्मराज हरिनाम संकीर्तन के श्री राधा श्याम सुंदर की जय श्री कृष्ण बलराम की जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय निताय गौर प्रमानंदे हरि हरि हरे कृष्ण आराध्यो भगवान भजे सतना तद धाम वृंदावना राम्या काचिदुपासना ब्रजवधो व्रगिनया ते पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण मम प्रेमापुमतो महान् श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरे न परा तत्रादरे न परा वंशी विभो शितकरा नवनीर्दाभा पीतांबरा तरुणबिम वफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रा कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वहं न जाने जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपदे शिया राम मय सब जग जानी करहू प्रणाम जोरी जोगो
पानी। बुद्धिहीन तनु जान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या दीहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरणौ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे, निरविशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंस्त्वत्कं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देव प्रणमामि हरि प्रिये। पांचाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। मेरे पीछे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हरे कृष्ण हरे। थोड़ा जा साइड वाले हरे कृष्णा। तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्णा भावनामृत संघ इस्कॉन के द्वारा आयोजित इस भगवान की कथा में आप सभी भक्तों का स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मैं यही व्यासपीठ से आप सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत वरिष्ठ भक्त उपस्थित हैं। मुझे तो जिससे मैं दो साल ढाई साल पहले ही मिला था, प्रभु जी आए हुए हैं और पटना से इस्कॉन पटना से आए हुए हैं परम पूज्य राम श्याम प्रभु हैं, भक्त लोग जो काफ़ी वरिष्ठ हैं और यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए मैं पहले ही यह स्वीकार करता हूँ
कि मुझमें कोई क्षमता नहीं है कि मैं भगवान की कथा को यहाँ पर कहूँ या फिर कुछ कह के सुनाऊँ आप लोगों को। ना ही कोई बहुत बड़ा विद्वान, ना कोई साधु, ना कोई ऋषि, ना कोई मुनि। एक साधक हूँ जो साधना कर रहा हूँ भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयास कर रहा हूँ। और जो कुछ भी अपने गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद श्रीमद् भागवत श्री रामायण से जो कुछ सुना है, जो कुछ पढ़ा है, वही आपके सामने मैं रखूंगा। उसके अलावा मैं आपको और कुछ नहीं सुना सकता। इस जगत में बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, है ना, लेकिन आप ध्यान देवें तो पता चलेगा कि वो सारी बातें क्या होती है, बदल जाती है। आज है तो कल नहीं है, कल है तो परसों नहीं है। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, श्रीमद् रामायण, ये कभी बदला नहीं। कभी सुना श्रीमद् भगवद गीता 2.0? सुना है क्या? रामायण 2.0? न्यूटन का लॉ 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन भगवान का लॉ 1, उसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है, कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं। वो क्या है, फिक्स है। और ये जो है, अगर उसी को हम बार बार रिपीट सुने तो और रसमय हो जाता है और आनंददायी हो जाता है वही कथा। वही कथा और आनंददायी हो जाता है जब हम भगवान की कथा को सुनते हैं। तो जब मैं, जैसे कि प्रभु जी ने बताया, पहली बार आया था तो भी राम कथा हम लोगों ने किया था। इस बार भी जब मैं, प्रभु जी का आदेश हुआ कि प्रभु जी आना है और 4 दिन के लिए कुछ कथा कीर्तन हम लोग करेंगे, तो हमने प्रभु जी से पूछा कि प्रभु जी क्या कथा किया जाए। तो प्रभु जी ने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया कि 2 सत्र में कथा करनी है, और 2 सत्र में कथा करनी है तो मतलब राम कथा भी हो जाएगा और भागवत कथा भी हो जाएगा। और फिर हम लोग आ रहे थे तो आते आते डिस्कशन हुआ कि प्रभु जी जब रामायण हो ही रही है, भगवत कथा हो रही है, तो भगवान की जब लीलाएं हो ही रही है, तो जब भगवान ने जो कहा है वह क्यों नहीं हो है? तो इसीलिए हम लोगों ने यह भी डिसीजन लिया आते आते गाड़ी में कि नहीं भाई, थोड़े बहुत भगवत गीता के ऊपर भी चर्चा की जाए। और बहुत सुंदर शेड्यूल भी बना है कि भगवत गीता की भी चर्चा होगी। कब होगी? सवेरे सवेरे भगवत गीता की भी चर्चा होगी। तो आज तो 12 बजे से ही कथा होने वाली थी, लेकिन प्रथम दिवस है आप लोगों का, तो चौथा दिन की तीसरा दिन है, हमारा प्रथम दिवस है, तो थोड़ा आने में विलंब हो गए। तो पहला ही दिन माना जाएगा हमारा। तो ये कथा खत्म करने की टाइम है, लेकिन कथा शुरू कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने देखा है कि अन्य जगह पे भी मैं कथा करने के लिए गया हूँ, लेकिन जो भाव भक्तों का यहाँ पर है कथा सुनने के प्रति, 2 टाइम करें या 3 टाइम करें, भक्त लोग आ जाते हैं, ये बड़ा अद्भुत है। अन्य जगह ऐसी उपस्थिति या फिर भक्तों में ऐसी श्रद्धा हमने नहीं देखा। बहुत बहुत ही सुंदर है। एक बार आ जाए वही बहुत बड़ी बात होती है ना। एक बार आ जाए
तो वही बहुत बड़ा मतलब लगता है प्रभु जी उपकार कर दिए। लेकिन आप लोगों का बड़ा अच्छा भाव है भगवान की कथा का सुन। और आप जानते हैं, आप सब तो कथा सुनते रहते हैं, प्रभु जी राम श्याम प्रभु आप लोगों को कथा सुनाते ही रहते हैं। हमारे जीवन का लक्ष्य है प्रेम प्राप्त करना। किसका प्रेम? किसका प्रेम? जगत के लोगों का। किसका? कृष्ण प्रेम। थोड़ा मैं गलती बोलता हूँ, क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप लोग मुझे बीच बीच में रिपीट मतलब टोक सकते हैं थोड़ा, है ना। तो हमारा क्या होना चाहिए? कृष्ण मतलब कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है ना। हमारा ये उद्देश्य है कि कृष्ण प्रेम प्राप्त करें, मतलब कृष्ण हमारे हृदय में आ जावे, यही ना। अब इस पर परम आराध्य परम पूज्य वृंदावन गोस्वामी महाराज बहुत अद्भुत बात कहते हैं, बहुत अद्भुत बात। और ये बात जो ना एकदम मेरे दिल को छू गई है। मैं जब भी जाता हूं कहीं पर ये बात की चर्चा करता हूं, और ये तो सौभाग्य है कि आज उनकी बात से स्टार्ट हो रही है कथा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज कहते हैं कि भगवान को हमारे हृदय में आने के लिए अनेक सारे रास्ते मालूम है। अब भगवान वहां भगवान है, भगवान को देखते हैं तो भगवान आंखों के माध्यम से भी हमारे हृदय में आ सकते हैं। अथवा आप प्रसाद खाते हैं, खाते हैं ना, तो प्रसाद के माध्यम से भी भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो सकते हैं। अथवा भगवान को अर्पित करके हम लोग सेंट सूंघते हैं तो उससे भी भगवान क्या हो सकते हैं, हमारे हृदय में आ सकते हैं। और कानों के माध्यम से भी भगवान हमारे हृदय में आ सकते हैं। ये इतने सारे द्वार हैं, तो कहते हैं कि बहुत सारे द्वार मालूम है भगवान को हमारे हृदय में आने के लिए, लेकिन भगवान का फेवरेट द्वार कौन सा है? कान। कान के द्वारा बड़ा पसंद है हमारे कृष्ण को, हमारे राम को किसी के हृदय में विराजमान होने के लिए। बहुत अद्भुत बात। भगवान को अनेक द्वार मालूम है, लेकिन उनमें से भगवान को सबसे अच्छा लगता है कौन सा? कान का द्वार। कान का द्वार भगवान को बहुत सुंदर लगता है, है ना। अभी आपने सुना होगा जब हम लोग मंगलाचरण कर रहे थे तो एक श्लोक आया, क्या? वंशी विभू शित करा नवनीर दाभा। याद है ये श्लोक आप लोग को? याद है? नहीं याद है? ये बहुत अद्भुत श्लोक है और एक रियल घटना है, एक रियल एक्सपीरियंस है जिसको इस श्लोक के माध्यम से शेयर किया गया है। हम लोग आजकल कोई एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो किस लैंग्वेज में करते हैं? हिंदी अथवा इंग्लिश। संस्कृत तो हमें आती नहीं है। घटना इस प्रकार से है कि अद्वैत मत को मानने वाले एक आचार्य हुए, नाम जानते हैं आप लोग, मधुसूदन सरस्वती ऐसा ही नाम था उनका, आपके नियर बाय काशी के ही रहने वाले थे। तो उनका ऐसा मानना था कि मैं और कृष्ण कौन है? एक है, हम और कृष्ण एक। तो भगवान के पास जाकर के प्रणाम नहीं करते, और क्या हाल है, ठीक हो ना, हम और आप दोनों एक ही हैं, हम ठीक है, आप भी ठीक, आप ठीक हो तो हम भी ठीक, ठीक ठाक रहना, चलते हैं, बस यही था उनका स्थिति। और जब कोई उनसे तर्क करता कि अरे नहीं, भगवान अलग है, हम अलग हैं, दोनों की इंडिविजुअलिटी अलग है, तो वह उन बातों को नहीं सुनता था, नहीं सुनता था उन बातों को, उसको हरा देता था, परास्त कर देता था। और परास्त करने के बाद उसे बड़ा आनंद आता था, बड़ा मजा आता था, फलाने व्यक्ति को मैं हरा दिया, मजा आ गया, है ना, फलाने व्यक्ति को मैं हरा दिया, मुझे मजा आ गया, बड़ा गदगद होता था।
एक बार की घटना कि वह क्या हुआ, एक बार वह वृंदावन गया, वृंदावन गया और वहां पे भी जाकर के कुछ भक्तों को ऐसे ही हरा दिया। अरे कृष्ण और मैं एक ही हैं, तुम लोग खाली अलग अलग मान रहे हो, नहीं हम लोग दोनों एक ही हैं। तब बिहारी जी के मंदिर से वह दर्शन करके निकल रहा था, है ना, बिहारी जी के मंदिर से वह दर्शन करके निकल रहा था, इतने में एक छोटा सा बच्चा आया। अब देखिए श्रवण की महिमा, एक छोटा सा बच्चा आया और उनसे पूछते हैं महाराज, तो बोलिए, ये भी देखने में तेजस्वी बालक थे। अब उन मतलब मधुसूदन दास सरस्वती जी को अगर वह उपदेश देने आए हैं तो निश्चित तेजस्वी होंगे ना, तभी तो आए हैं। आए और कहे महाराज आप अपने आप को ब्रह्म कहते हो ना, बोले हाँ, तो हम भी तो ब्रह्म हुए। बोलो हाँ, तू भी ब्रह्म है बेटा, मैं भी ब्रह्म हूं और ये भी ब्रह्म है, हम तीनों एक ही हैं। तब वह उनके ही लॉजिक को उनके ऊपर मारे और क्या कहते हैं, महाराज एक बात बताइए, जब आप भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म, तो एक ब्रह्म जब दूसरे ब्रह्म को परास्त करता है तो आनंद कैसे आता है आपको, समझ रहे हैं, अगर मैं अपने आप को ही हरा दूं तो मुझे आनंद कैसा आएगा। अद्वैत मतलब क्या, मैं जो हूं वही तुम हो, तो एक दोनों क्या हो गए, एक हो गए, तो मैं मान लीजिए इनको हरा दिया तो मुझे आनंद कैसा, आनंद आना चाहिए। हम लोग दोनों अगर एक ही हैं, ये अभिषेक प्रभु और मैं दोनों एक ही हैं, अब मैं इनसे तर्क करूं और इनको हरा दूं तो मुझे आनंद आएगा क्या, क्यों आनंद आएगा, क्योंकि दोनों एक हैं, अगर अलग अलग होंगे तब तो आनंद आएगा, ए हरा हार गया, हार गया देखो, ऐसा बोलेंगे। अब कौन हार गया, जब एक ही है तो मैं ही तो हार गया। तो वही उनको तर्क करके बताते हैं कि महाराज जब आप भी ब्रह्म और वो भी ब्रह्म है, और जब एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को हरा देता है तो फिर आपको आनंद कैसे आता है। अरे बाप रे बाप, इतना सुनना था कि उनकी हालत खराब हो गई, पूरा अद्वैत मत को मानने वाले उनकी तो हालत ही खराब, क्या करे। अब वही से ये सोचिए, थोड़ा सा हियरिंग, थोड़ा सा श्रवण, इतना ही सुना भगवान के भगत से, भगवान के दरबार में मात्र इतना ही सुना कि आप उसको हरा देते हो तो आपको आनंद कैसे आता है। इतना सुनना था कि उसके जो पूर्व में जो उन्होंने सुना था कि भगवान का नाम ही सब कुछ है, बस खिल गया। और वहीं से उन्होंने शुरू किया, जो भगवान का नाम बोलता ही नहीं था वहीं से शुरू किया, हे कृष्णा, हे गोविंद, हे मुरारी, हे मुरारी। अब रिपीट आए काशी, काशी आए तो उनके हजारों शिष्य और सब के सब एकदम सन्यासी और एकदम अद्वैत मत को मानने वाले। अब जब वो महाराज आए हैं, मधुसूदन दास सरस्वती जी महाराज जब आए, तब उनको देखकर शिष्य लोग चकित हो गए, बोले ये तो अद्वैत मत को मानने वाला भगवान का नाम ले रहा है, ये कैसे हो गया, है ना। तो जब इस प्रकार से बोले तब तो मतलब क्या कहा जाए, हालत खराब हो रही है, क्या किया जाए, क्या किया जाए। तो उस समय शिष्यों ने पूछा कि गुरुजी आपका तबीयत तो ठीक है, हालत तो ठीक है ना, तो क्या कहते हैं, हाँ तबीयत तो ठीक है, क्या हुआ मुझे, मुझे तो कुछ नहीं हुआ ना। फिर बोले अच्छा ठीक है जाओ, और फिर वो करने लगे, हे कृष्णा, हे गोविंद, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, करने लगे। सब शिष्य लोग चकित, बोले ना गुरु जी का दिमाग जो है क्या हो गया, थोड़ा चकरा गया है, थोड़ा घूम गया है, कुछ ऑप्शन करना पड़ेगा, कुछ दिखाना पड़ेगा। बोले महाराज आप ठीक है, बोले हाँ ठीक है ना। सब शिष्यों ने मीटिंग किया और बहुत बड़ी सभा लगाई, हजारों शिष्य और हजारों अद्वैत मत को मानने वाले अन्य सारे साधु सब बैठ गए, बहुत बड़ी सभा लगी। और इनको, क्योंकि ये श्रेष्ठ थे, सर्वोपरि थे, मतलब ये जैसे स्तंभ होता है ना, स्तंभ पिलर थे, अगर पिलर टूट गया तो सब टूट जाएगा। तो इनको बीच में बिठाया गया और पूछा गया कि महाराज हमें लग रहा है कि आपके दिमाग में कुछ हो गया है, आपका तबीयत ठीक नहीं है। बोले ना ऐसी बात नहीं है, मेरी तबीयत ठीक है। बोले अगर तबीयत ठीक है तो बताओ तत्व क्या है, क्या कहते हैं, तो बताओ तत्व क्या है। तब यह श्लोक उन्होंने कह दिया, क्या, वंशी विभू शित करा
नवनीर दाभा। क्या कह रहे हो? वंशी विभूषित करात नवनीर दाभा, जिनके अधरों पे क्या है? वंशी नवनीर, जिनसे एकदम नया 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 ट्यून निकल रहा है। नवनीर दाभात पीताम्बरा तरुण बिम वफला धरोष्ठा, जो बहुत सुंदर पीताम्बर पहने हुए हैं, और उनके अधर कैसे हैं? बिंब, बिंब फल जानते हैं आप लोग? बिंब फल किसको कहते हैं? कुंदरी खाए, कुंदरी है? क्या कहते हैं इसको? नहीं नहीं कुंदरुम नहीं, कुंदरी, कुंदरी, कुंदरी लंबा लंबा होता है, कुंदरू कहा जाता है। नहीं कुंदरू, अच्छा इधर कुंदरू कहा जाता है, हमारे इधर कुंदरी कहा जाता है। तो वो कुंदरू का फल जब पक जाता है, आपने देखा वो रेड हो जाता है, एकदम लाल हो जाता है। तो क्या कह रहे हैं? वंशी विभूषित करात नवनीर दाभात पीताम्बरात, जो पीताम्बर पहने हुए हैं, दरुण बिंब फल फला धरुष्टात, जिनके अधर कैसे हैं? उस कुंदरू के फल के समान लाल है ना। पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा, और उनका नयन कैसे हैं? कमल के समान। पूरा श्लोक सुनिए क्या कह रहे हैं। वंशी विभूषित करा नवनीर दाभा पीताम्बरा दरुण बिम वफला धरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा अरविंद नेत्रा। पूछा गया था तत्व क्या है, ये वर्णन कर दिए किसका? कृष्ण का है? जो पीताम्बर पहने हुए, जिनका ओठ लाल है, और अधरों पे बहुत सुंदर बांसुरी है, जो नित नवीन मधुर मधुर संगीत छेड़ रही है। और क्या कह रहे हैं आगे सुनिए। अब कहते हैं, तुम लोगों ने पूछा था ना कि तत्व कौन है, सबसे बड़ा तत्व कौन है, तो क्या कहते हैं? कृष्णा परम। आगे बोलिए। कृष्णातरम किमपि, किमपि कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है? अहम न जाने। क्या कहते हैं? कृष्ण से बड़ा कोई तत्व है? अहम न जाने, मैं नहीं जानता। इतना संस्कृत तो आप लोग समझ ही जाते होंगे, अहम न जानी। क्या ये तो लग रहा है हिंदी या भोजपुरी ही रहे। भोजपुरी में क्या बोलेंगे इसको? हम नहीं खे जानत। हिंदी बोलेंगे हम नहीं जानते हैं, हम न जानी, साधारण सी बात है। तो कृष्ण से बड़ा, राम से बड़ा, भगवान से बड़ा कोई तत्व है इस दुनिया में, ये हम नहीं जानते। तो ऐसे भगवान की कथा जो प्रेम प्राप्त कराने वाली है हमारे जीवन में, आप लोग श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत अद्भुत बात है। ऐसी ही कथा क्या कर सकती है? हमारे जीवन में कृष्ण के प्रति प्रेम को जगा सकती है। तो आइए हम लोग राम कथा की ओर प्रवेश करें। अब राम कथा की महिमा बताऊंगा, अन्य सारी चीजें बताऊंगा, तो बहुत समय लग जाएगा। डायरेक्टली एक प्लेटफॉर्म दे करके मैं आप लोगों को कथा शुरू करूं तो वो ज्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि आप लोग पहले भी राम कथा सुन चुके हैं। लेकिन प्रोजी हमारा आदत है कि हम भूल जाते हैं। कोई बात नहीं है, ये भूलना तो हमारी स्वाभाविक रीत है, भूलेंगे ही हम, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो फिर भी आप लोगों को याद कराने का प्रयास करूंगा, और मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को याद हो जाएगा।
है ना, आप लोगों को याद यह कथा हो जाएगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। यह कथा कहां से शुरू होती है? सर्वप्रथम कोई भी कथा हो वह भोलेनाथ और भोलेनाथ सुनाते हैं किसको? देवी पार्वती को। तो इस सारी कथाएं हो चुकी थी। एक बार ऐसा हुआ था, आप जानते हैं कि बहुत सुंदर रामायणकार कहते हैं कि भाई भोलेनाथ जी कैलाश से उतर करके, कैलाश देखिए उत्तर में है और दक्षिण में कुंभज ऋषि रहते थे, उनके पास गए थे क्यों? राम कथा सुनने के लिए, है ना। तो आइए हम लोग भी भोलेनाथ के संग कुंभज ऋषि के पास चलते हैं, ठीक है। एक बार त्रेता युग माही, 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 शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। यह एक समय की बात है, कब की बात है? यह त्रेता युग की बात है। क्या कह रहे हैं? त्रेता युग की बात है। त्रेता युग में शिव जी अपने कैलाश धाम से उतर कर कहां गए? कुंभज ऋषि के पास गए। संग सती जग जननी भवानी, 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 पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूज ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में देवादिदेव महादेव कैलाश के निवासी अपनी पत्नी के साथ, समझना पड़ेगा किसके साथ? पत्नी के साथ कहां पर गए? कुंभज ऋषि के आश्रम में गए। कहां? नॉर्थ, एकदम उत्तर। अपने अगर भारत का मानचित्र देखें तो कैलाश कहां है? ऊपर, और कुंभज ऋषि साउथ। एक कश्मीर तो दूसरा कन्याकुमारी, बहुत कोई मेल ही नहीं, बहुत दूर। लेकिन भोलेनाथ वहां से चले और चल करके कहां गए? कुंभज ऋषि के पास। तो यहां पे हमें सिद्धांत ग्रहण करना चाहिए। कथा की टाइमिंग तो प्रभु जी बता दिए हैं, हमें कैलाश से तो नहीं आना है, दिल्ली बॉम्बे सासाराम है? अपने अपने घरों से निकलना है और आ जाना है कथा पंडाल में। दूसरा सिद्धांत क्या कह रहे हैं? भोलेनाथ अकेले कथा सुनने गए, कैसे गए? अकेले नहीं गए, माता पार्वती के साथ। अच्छा, देवी पार्वती के साथ नहीं, देवी सती के साथ गए, है ना, देवी सती के साथ गए। तो भोलेनाथ से यह सिद्धांत हमें ग्रहण करना चाहिए। क्या सिद्धांत ग्रहण करना चाहिए? कि जब भी जावे कथा सुनने के लिए तो अपने परिवार को लेकर के जाना चाहिए, भोलेनाथ से सीखना चाहिए। भोलेनाथ अकेले नहीं जाते हैं, अपनी पत्नी को लेकर के जाते हैं। तो भोलेनाथ अपनी पत्नी को लेकर के गए।
हमें भी चाहिए कि जब हम कोई भगवान के काम में जाएं, आध्यात्मिक कार्य में जाएं, धार्मिक कार्य में जाएं, तो अपने पत्नी को अथवा पति को लेकर के जावें। अगर पति, अगर प्रभु जी एडवांस है भक्ति में, तो चाहिए कि वह पत्नी को लेकर के जावे, और पत्नी अगर एडवांस है तो वह चाहिए कि अपने पति प्रभु जी को लेकर के जावे। तो इस प्रकार का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा हो जाता है, नहीं तो फिर एक अप एक डाउन हो जाएगा। आज मैं आया तो परम पूज्य राम श्याम प्रभु बड़ा सुंदर माता जी के साथ आया, बड़ा आनंद आया देखकर, बोला अद्भुत, क्षमा चाहूंगा बोल रहा हूँ बहुत अद्भुत बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मुझे देखो मैं अकेला आ गया तो जब भी जावे तो ले करके जाना चाहिए, अच्छा यह सिद्धांत ग्रहण करना चाहिए। तो शिव जी कथा सुनने के लिए कुंभज ऋषि के पास गए, और कुंभज ऋषि के आश्रम में पहुंचे, और आश्रम में पहुंचते ही क्या देखा, दोनों एक दूसरे को प्रणाम किए, दोनों एक दूसरे को क्या किए, प्रणाम किए। बहुत सुंदर कथा प्रारंभ हुई, लेकिन सती के मन में थोड़ा सा भेद आ गया कि अरे ये कैसा साधु है, मेरे पति को प्रणाम कर रहा है, हम लोग तो आए थे सोचे कोई महात्मा होगा, कथा सुनाएगा, ये कैसा महात्मा कि मेरे पति को प्रणाम कर रहा है, आखिर मेरे पति में को प्रणाम करने वाले में क्या होगा बताइए। तो उनके मन में थोड़ी सी दुविधा हो गई। बहुत बड़ा सिद्धांत कि भाई जिनसे हम कथा सुन रहे हैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो बहुत अपराध होगा। देवी सती यहाँ के बाद अपराध के बाद अपराध, अपराध के बाद अपराध, अपराध के बाद अपराध करती गई। श्रद्धा नहीं हुआ, कथा शुरू हुई, और कथा शुरू होते ही क्या हो गई, सो गए। कथा में सोना नहीं चाहिए, कभी नहीं सोना चाहिए, ध्यान रखिए। कथा में रस तो बहता है एक बार की घटना, एक बार बॉम्बे में कथा हो रही थी, परिवार वालों ने क्या किया, उनके पिताजी नहीं आते थे कथा में, कथा में सोने से देखिए कैसा रस मिलता है, आप थोड़ा सुनिए इसको। तो परिवार से सब आते थे, पिताजी नहीं आते थे। एक बार पिताजी को जबरदस्ती ले आया, तो पिताजी क्या किए, खंबे के पास जाकर के बैठ गए कुछ लोग सोते हैं ना ऐसे करके ऐसे करके दस के सो गए खंबे के पास बहुत सुंदर कथा हुआ, कीर्तन हुआ, कहीं पे भी नहीं उठा, अद्भुत नींद, बोले जीवन में इतना सुंदर नींद तो कभी नहीं हुआ कर कथा में नींद हो जाए कोई बात नहीं है। तो सोया सोया सोया, सब लोग कथा खत्म हुई, जब प्रसाद मिलने लगा, खुशबू आया तो जगा, अरे वाह प्रसाद कर प्रसाद खाना चाहिए कोई बात नहीं है, भगवान का प्रसाद है। तो प्रसाद के समय खुला आंख, आंख खुला तो देखते अरे प्रसाद, तो सब लोग चर्चा कर रहे थे, अरे कथा अद्भुत थी, अद्भुत रस बह रहा था कथा में, अद्भुत धारा बह रहा था। तो वो भी जगार बोलता, हाँ हाँ मुझे भी धारा मिली, मुझे भी रस मिला, अद्भुत अद्भुत स्वाद, एकदम नमकीन स्वाद था। अरे अरे ये कथा में नमकीन स्वाद कैसा, सब लोग कंफ्यूज हुए, एक्चुअली हुआ क्या था, वो बैठा कहाँ था, खंबे के पास मुंह खोल के, और आप लोग जानते ही हैं कुत्ता क्या ढूंढता है तो इसलिए कथा में नहीं सुना चाहिए तो देवी सती सो गई, और सोते ही सोई और आंख खुला तो पति को इशारा किया, चलो चलो बहुत हो गया चलो। तब उसमें क्या कहते हैं कि राम कथा मुनि ब्रज बखानी, सुनि महेश परम सुखमानी। कथा जो है कुंभज ऋषि बहुत सुंदर धारावाहिक कह रहे थे, और उसको भोलेनाथ सुन करके बड़ा सुख मान रहे थे, लेकिन उसी समय अगले श्लोक में कहते हैं, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। आचार्यों ने यहां प्रश्न उठाया है ना कि अरे भोलेनाथ कथा से उठ जाए, इम्पॉसिबल, ये संभव ही नहीं है, ये कैसे हो गया। तब आचार्यों ने इसका सॉल्यूशन दिया, देखिए भोलेनाथ तो नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन
क्योंकि देवी सती का इशारा हुआ, अतः जाना पड़ रहा है ना। अब यहां भी अगर देखें तो रामायणकार श्लोक के भाव में भी अंतर कर रहे हैं। क्षमा चाहूंगा, थोड़ा अंदर जा रहा हूं मैं थोड़ा, लेकिन बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊं। आप देखिए श्लोक को याद करिए, तो कहते हैं कि एक बार त्रेता युग माही शंभु गही कुंभज ऋषि पाही संग सती जग जननी भवानी। श्लोक पकड़िएगा, संग सती जग जननी भवानी। अब क्या कहते हैं, मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमार। कुछ कुछ अंतर पता चल रहा है यहां पे, दक्ष दक्ष और पहले संग सती जग जननी भवानी, यहां पर दक्ष कुमारी। कहते कथा में सो गई कुंभज ऋषि का अपराध कर दी, इतने इतने सारे अपराध जो है शिव जी की पत्नी जगत जननी माता सती नहीं कर सकती हैं, और अब जा रही है तो कैसे लग रही है। कहते अरे अरे ये कोई जगत जननी माता सती नहीं है, ये तो अपने पिता के तरह या दक्ष कुमारी है, ये अपने पिता की तरह ही है, ये कोई जगत जननी नहीं है। आचार्यों के भाव जो है ना बड़ा अद्भुत है कथाओं में। कहते भोलेनाथ की इच्छा तो थी कि दो पांच दिन और कथा सुना जाए, लेकिन ये दक्ष कुमारी है। तो ये दोनों वापिस लौट रहे थे, और वापिस लौटते लौटते कथा हुई, और कथा में भोलेनाथ प्रवेश कर जाते थे। संयोग से युग बीत चुका था, चतुर्युग बीत चुका था, सतयुग खत्म होकर के त्रेता युग आ चुका था, और भगवान की भगवान प्राकट्य हो गए थे, और प्रकट होकर के विवाह करके जंगल में भी जा चुके थे, और देवी सीता का अपहरण भी हो गया था, और भगवान श्री रामचंद्र दंडकारण्य के जंगलों में क्या कर रहे थे, घूम रहे थे, खोज रहे थे। तब भोलेनाथ मनी मन इच्छा कर रहे थे कि कथा सुन करके जा रहा हूं, अगर भगवान का दर्शन हो जाए तो बड़ा अद्भुत हो जाता, बड़ा मजा आ जाता, मजा आ जाता अगर भगवान का दर्शन हो जाता तो। क्या कहते हैं, जब भोलेनाथ ऐसा सोचे तो दूर से ही देखे कि भगवान श्री रामचंद्र देवी सीता के खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। भोलेनाथ की मन में इच्छा हुई कि अरे भगवान है, जैसे ही देखा तो इच्छा हुई कि जाऊं और भगवान को दंडवत प्रणाम करूं। भगवान के सामने जब भी हम आवे ना तो हमें चाहिए कि हम भगवान को दंडवत प्रणाम करें। कुछ लोग प्रणाम नहीं करते हैं बस, ये कौन से आचार्य सिखाए हैं। हमारे आचार्यों ने कभी ऐसा नहीं किया, प्रणाम करना चाहिए भगवान के सामने, दंडवत प्रणाम करना चाहिए एकदम दंडवत। अब माता जी के लिए पंचांग प्रणाम ही है, प्रभु जी लोगों के लिए दंडवत प्रणाम है, जब भी जाए भगवान के सामने प्रणाम करिए। कहते हैं केवल दिखावे के लिए भी, अरे लोग मुझे भगत कहेगा मैं भगवान को दंडवत प्रणाम कर लूं, इसके लिए भी कोई भगवान को प्रणाम करता है तो भगवान उसके 100 जन्म के पाप तो ऐसे ही माफ कर देते हैं, केवल दिखावे के लिए प्रणाम करे तो। और भगवान को अगर कोई प्रणाम करे इच्छा से तो उसका क्या करेंगे भगवान, कहना मुश्किल है प्रभु, कहना मुश्किल है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम भगवान को प्रणाम करें। कैसे कैसे, तो दंडवत मतलब अरे कृष्णा और राधा श्याम सुंदर कैसे हैं, दंडवत है आपको ऐसा नहीं, लेट कर दंडवत प्रणाम कर। प्रणाम करने में कंजूसी नहीं, भगवान को जब भी आए एकदम दंडवत प्रणाम करिए। भगवान को जब प्रणाम करते हैं तो भगवान बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं, अरे वाह कितना सुंदर बच्चा है मेरा है? इसलिए प्रणाम करना चाहिए भगवान को। तो भगवान भोलेनाथ समझे, सोचे कि भगवान के पास जाऊं और प्रणाम करूं, लेकिन इच्छा फिर सोचे कि अरे ना भगवान मनुष्य लीला कर रहे हैं और अगर प्रणाम करूंगा तो क्या हो जाएंगे, लीला में विघ्न आ जाएगा, यहां मेरा कोई रोल ही नहीं है तो मैं जा करके क्या करूंगा। तो वही दूर से ही प्रणाम किए, दूर से ही प्रणाम किए, और प्रणाम करने के बाद देवी सती कहती तो पगला गए क्या हमारे पति देव, जहां देखो वहीं पे गिरते रहते हैं।
वहां कुंभज ऋषि के पास गए तो गिर गए, यहाँ जंगल में गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये? बोले किसको प्रणाम कर रहे हैं भोलेनाथ जी, जब देखिए तब गिरते रहते हैं। बोले देवी वो देख रही हो कौन? ओ देखो हाँ एक लड़का वो जो जंगल में खेल रहा है देखो। ले रे वो लड़का नहीं, वो हमारे भगवान श्री राम है। अच्छा वो लड़का भगवान है? बोले हाँ। भगवान कभी अपने पत्नी के विरह में रोते हैं? देखो कैसे रो रहा है, भगवान कभी रोते हैं? तो वो देवी सती के मन में इच्छा हुई, जब भोलेनाथ बार बार कहे तब देवी सती कहे कि मैं उनकी परीक्षा लूंगी, क्या करूंगी, अगर भगवान है तो मैं उनकी परीक्षा लूंगी। भोलेनाथ कहे कि ऐसी गलती मत करो, ये बहुत बड़ा अपराध है। अपराध क्या, वो लड़का अभी जाऊंगी और तुरंत उसका भेद खोल के आ जाऊंगी, पता चल जाएगा वो साधारण मनुष्य है। बोले मैं तो मानता हूं भगवान है, तुझे नहीं माना है तो तू जा और प्रणाम कर। गए बोले मतलब परीक्षा ले। अब देवी सती गई, वो सोची क्या करूं कैसा करूं। बोले अच्छा ये सीता को ढूंढ रहा है, एक काम करता हूँ सीता का रूप बना लेता हूँ, जाऊंगी मुझे देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा और मुझे गले लगा लेगा तो मैं समझ जाऊंगी ये भगवान नहीं है, है ना। तो देवी सीता का रूप धारण करके गए और जा करके जैसे ही भगवान ने देखा, भगवान बोले अरे ये क्यों आ रही है ये क्यों आ रही है यहां पर। अब भगवान बोले क्या करूं मैं इसका है? वो भगवान उनको प्रणाम किए, अब प्रणाम करके कहते हैं माते आप अकेले इस घने जंगल में क्या कर रहे हैं, भोलेनाथ कहाँ है बताओ। अब तो इनकी हवा गुम, क्या किया जाए, आगे जाए तो राधा समा चाहूंगा, राम लक्ष्मण सीता बाएं दाएं चारों ओर ऊपर नीचे दसों दिशाओं में इसको राम लक्ष्मण सीता का दर्शन, जिधर देखे उधर, लास्ट में देवी सती चक्कर खा करके वहीं गिर गई, भगवान अपनी लीला करते हुए आगे निकल गए। और उस समय कुछ देर के बाद यहां पे भी आचार्यों ने प्रश्न उठाया कि भगवान श्री रामचंद्र ने उनको प्रणाम क्यों किया, क्यों प्रणाम किया। आचार्यों ने बहुत सुंदर प्रश्न दिया, उत्तर दिया कि अरे भाई देवी भगवान श्री रामचंद्र ने देवी सती को प्रणाम नहीं किया, माया को प्रणाम किया। अरे माया तूने सती को भी नहीं छोड़ा, इसको भी ले लिया। तो बहुत सुंदर प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद ये आए और आने के बाद पूछा अरे परीक्षा ले लिए, अब देखिए देवी सती के अपराध बढ़ रहे हैं। बोले कुशल मंगल तो है, भोलेनाथ पूछ रहे हैं सब कुशल मंगल तो है, परीक्षा लेने गए थे ले लिए। तब क्या कहते हैं, कहे नहीं नहीं स्वामी मैं झूठ बोल रही है, पहले बता देता हूं, पहले झूठ बोल रही है, क्या बोल रही है, नहीं नहीं स्वामी मैं गई। इतने आदम आसान से बोल रही है जैसे मतलब एकदम कोई मासूम व्यक्ति हो, एकदम मासूमियत के साथ, नहीं नहीं स्वामी हम गए बस, और हम भी ना आपके जैसा उनको प्रणाम कर लिए और चल दिए। क्या बोल रही है ये इतना तो मतलब क्या कहते हैं, इतना साधारण तो नहीं है, इतने दिन से तो जान ही रही हूं। कभी कभी होता है दो पति पत्नियों के बीच में होता है कभी कुछ मासूमियत दिखता, दाल में कुछ काला तो जरूर है बोले ना समझ गए, दाल में काला कुछ जरूर है। बोले ना देखिए ध्यान में जाकर के, तो देखिए कि इन्होंने देवी सीता का रूप धारण किया है। जैसे ही ये देखा कि देवी सीता का रूप धारण किया है, भोलेनाथ ने सोच लिया कि अब अगर इसके साथ संबंध रखूं तो मेरा धर्म टूट जाएगा, क्योंकि इन्होंने मेरी माता का रूप धारण किया है और माता के साथ तो पत्नी का संबंध नहीं रखा जा सकता ना, कभी नहीं रखा जा सकता। तो जैसे ये निर्णय लिया कि अब देवी सती के साथ मेरा कोई संबंध नहीं, सारे संबंध को टूट दिए, तुरंत देवतागण आकाश में प्रकट हुए, इतनी बड़ी निर्णय, पुष्प वृष्टि किया। देवी सती पूछती है स्वामी आप कुछ सोचे, आपने कुछ निर्णय लिया। बोले नहीं नहीं। बोले देवता लोग फूल क्यों गिरा रहे। बोले अरे कुछ नहीं, इनका तो कभी भी मूड हो जाता है,
यहाँ भी एक सिद्धांत दिया, थोड़ा ज्यादा सिद्धांत बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, बता दू बता दी सिद्धांत ये है कि जीवन में कभी अगर हम कुछ निर्णय लें तो उसको तुरंत उछाल उछाल कर दिखा दिखा कर करना नहीं चाहिए। आज की स्थिति क्या है, हम हरे कृष्ण वालों से जुड़ जाते हैं, इस्कोन वालों से जुड़ जाते हैं, तुरंत घर पे जाते हैं, पत्नी तू माया है, बच्चे तू माया है, मैं माया से ऊपर, पत्नी बच्चे माया नहीं, माया में तू है। तुझे नहीं बोला गया है, इस्कोन वालों ने नहीं बोला है कि तू पत्नी को हटा बच्चे को हटा, तू भक्ति कर पत्नी को भक्ति कर, है ना। कुछ भी अगर वैराग्य है तो वैराग्य अंदर से रखो, है ना। भगवान ने गीता में कहा ना, क्या कहा, ठीक है, कर्तव्य करिए उसके प्रति आसक्त मत होइए। कर्तव्य करना है तो कोई भी निर्णय ले तो उसको तुरंत बताने की आवश्यकता नहीं है, खास करके पत्नी को, माता जी लोग कल से नहीं आएंगी, ये सिद्धांत है, क्योंकि माता जी लोगों के मन में बात पचती नहीं है। ऐसा वो युधिष्ठिर जी श्राप दिए थे नहीं कुंती देवी को, आप लोग जानते हैं, मैं ऐसा नहीं आप लोगों का अपमान कर रहा हूँ, क्षमा चाहूंगा कुछ लगे तो, ये सिद्धांत हमने इसलिए बोल दिया, जीवन में कभी भी वैराग्य आवे तो उसको प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है, वैराग्य आए तो उसको अंदर रखिए, उस वैराग्य को रखिए, बढ़ाइए बढ़ाइए और उसको भगवान की भक्ति में कर। अब देखिए देवी सती के कितने अपराध हो गए। सबसे पहले कुंभज ऋषि का आदर नहीं किया, प्रणाम नहीं किया, अपराध कर दिया, उनकी नम्रता को नहीं समझ पाई। दूसरा अपराध, कथा में सो गई। तीसरा अपराध, कथा में उठी और पति को बोला चलो। चौथा अपराध, भगवान को पहचान नहीं पाई। पांचवा अपराध, भगवान को देखते ही प्रणाम नहीं की। छठा अपराध, भगवान को भगवान की परीक्षा लेने गई। सातवां अपराध, वो भी देवी सीता का रूप धारण करके गई। आठवां अपराध, अपने पति से झूठ बोली। आचार्य गणिया कहते हैं कि देवी सती के सात सात अपराध क्षमा हो जाते, एक भी अपराध उनको कुछ भी नहीं होता अगर वह भगवान भोलेनाथ को सच बोल दी होती। पति से झूठ बोला सबसे बड़ा अपराध, झूठ बोला सबसे बड़ा अपराध किया, और इस कारण से आगे देखिएगा देवी सती का, देवी सती को अपने शरीर को त्यागना पड़ा। तो इस प्रकार से गए और कैलाश पर गए भोलेनाथ, कैलाश पर भोलेनाथ जा, ये कथा मैं बहुत शॉर्ट में सुना रहा हूं, ये कथा ही एक दो दिन चलती है। वहां गए और जाने के बाद वहां पे क्या हुए, भोलेनाथ को समाधि लग गई और कहते हैं बीते संबत सहत सतासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्षों के बाद भोलेनाथ की तपस्या टूटी और क्या कहते हैं, राम नाम शिव सुमिरन लागे जाने उसती जगत पति जागे। 87,000 वर्षों के बाद जब राम नाम का सिमरन करते हुए भोलेनाथ जग गए तो सती समझ गई कि मेरे पति नहीं जगत पति जागे हैं, वो समझ गए कि मेरा त्याग कर दिया। और उसी समय लगे कहन कथा हरि कथा रसाला, बहुत सुंदर भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री राम की कथा शुरू कर दिए। उस समय एक घटना घटी, है ना, क्या घटना हुई थी कि बहुत सारे देवी देवता लोग अपने अपने विमान को सजा सजा करके कैलाश से होते हुए जा रहे थे। कहां जा रहे थे, हुआ यह था कि दक्ष कुमारी मतलब देवी सती के पिता ने एक यज्ञ का आयोजन किया था जो स्पेशल यज्ञ था, किस चीज के लिए था, भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए, बदनाम करने के लिए। हुआ कुछ घटना ऐसी थी कि एक बार भोलेनाथ बहुत पहले यज्ञ में गए थे तो तब दक्ष कुमार दक्ष उधर से आए तो भोलेनाथ खड़े नहीं हो पाए तो दक्ष को बड़ा बुरा लग गया। महाराज कहते हैं अरे नहीं उठ पाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, भगत हैं,
वैष्णवानाम यथा संभू है, सवेरे सवेरे मंगला आरती में गए होंगे, जप किए होंगे, झपकी आ गई होगी, तो इसमें इतना बड़ा क्या बवंडर करने की आवश्यकता था। तो दक्ष से रहा नहीं गया, माइक लिया और चिल्लाने लगा, ये मेरा दामाद है, देखो इसको इतना भी नहीं आता है कि ससुर आने से उड़ जाना चाहिए, ये करना चाहिए। बहुत बेइज्जती किया और फिर भी पेट नहीं भरा। अब बोला एक स्पेशल यज्ञ करूंगा, पूरे जगत के लोगों को बुलाऊंगा, शिव को नहीं बुलाऊंगा। तो वही यज्ञ का आयोजन हुआ था, सभी लोग को बुलाया था, इनविटेशन कार्ड दिया था और इनविटेशन कार्ड के नीचे नोट में लिखा था कि आप लोगों को थोड़ा रास्ता लंबा पड़ेगा, लेकिन निवेदन है कि कैलाश होते हुए आइएगा, ताकि उसे पता चले सबको बुलाया हूं उसको नहीं बुलाया। फ्यूल एक्स्ट्रा लगे तो मुझसे ले लीजिएगा, लेकिन उधर से ही आइएगा। देवी सती ने एक विमान को नीचे बुलाया, अरे उतरो, बताओ क्या बात है। बोले रे आपको नहीं पता क्या हुआ? बोला रे तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, तुम्हें नहीं बुलाया क्या? बोले ने बुलाया बुलाया, हम भूल गए थे, जाओ जाओ। देवी सती भोलेनाथ के पास गए, स्वामी स्वामी मेरे पिता एक बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, हमें जाना चाहिए। बोले नहीं जाना चाहिए। बोले क्यों? बोले जहां पर बुलाया नहीं जाए वहां पर नहीं जाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि अरे वहां पर बहुत सुंदर देवी सती बोलती है कि दोस्त के घर, पति के घर, पिता के घर बिना बुलाए भी चला जाना चाहिए। तब भोलेनाथ कहे जब भूल से नहीं बुलाया हो तो, लेकिन अगर जानकर नहीं बुलाया हो तब नहीं जाना चाहिए। तो उस समय देवी सती नहीं रही, बोलने में जाऊंगी, बोले नहीं जाओ, बोल जाऊंगी, बोल नहीं जाओ, जाऊंगी नहीं जाओ, जाऊंगी नहीं जाओ, बोल नहीं जाने दोगे तो यहां फांसी लगा लोगी। भोलेनाथ समझे जाएगी तो वहां मरेगी, नहीं जाएगी तो यहां मरेगी, ऐसे ही खार खाया हुआ है, यहां मरेगी तो मेरे पर दहेज का केस ठोक देगा, जाने दो। नंदी को बुलाया, बोल ले जाओ इसको पहुंचा दो, नहीं तो बोलेगा कि गाड़ी भी नहीं भेजता है, जा पहुंचा करके आओ। तो पहुंचाने के लिए गए, और पहुंचाने के लिए जब गए तो देखते अरे बाप रे बाप, संसार के समस्त लोग आए, केवल मेरे पति और मुझे, मेरी मुझे नहीं बुलाया। माता के पास गए, पूछा अरे क्यों नहीं बुलाया है बताओ। माता ने सारी घटना बताई, इससे पहले वाले यज्ञ में तुम्हारे पति से कुछ अपराध हो गया था और उसी को बर्बाद करने के लिए, छोड़े क्षमा चाहूंगा, नीचा दिखाने के लिए ये बहुत बड़ा यज्ञ आयोजन हुआ है। अब सती को यहां बहुत क्रोध आया, बहुत क्रोध आया, और क्रोध आने की वजह से उन्होंने क्या कहा, रामायण में ऐसा लिखा है कि उस समय हजारों हजारों की सभा में देवी सती खड़ी हो गई और क्या कहते हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा कहीं सुनि जिन शंकर ही निंदा। हे सभासदों सुनो, जिस जिसने भोलेनाथ का अपमान सुना है और करा है, सो फल तुरत लहब सबु काहू भली भली भांति पछताबु पिताहू। हे पिताजी, और जो सब लोग हैं अब सब लोग पछताएंगे। बहुत सुंदर उन्होंने वर्णन किया कि आप लोगों को समझ में नहीं आता, वैष्णव अपराध कर रहे थे, भोलेनाथ इस जगत के सबसे बड़े वैष्णव है और उनका अपराध। चैतन्य महाप्रभु ने कहा हमारी भक्ति कैसे है, एक कोमल लता की तरह, और वैष्णव अपराध कैसे है, एक मतवाले पागल हाथी की तरह, अगर हाथी आ जाए तो बड़े बड़े पेड़ वृक्ष को रौन देते हैं, हमारी भक्ति तो एक लता के समान है, अगर रौन देगी तो क्या होगी बताओ, इसलिए वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। कहा है भृगु ऋषि आपको भी अकल नहीं है, मेरे पिताजी तो मूर्ख है, माना आपको भी अकल नहीं थी, आपको तो रोकना चाहिए था। बहुत बोला नहीं सुना। उस समय दक्ष प्रजापति की बेटी देवी सती सबको ललकारते हुए कहने लगा कि अब मुझे ये शरीर जो मेरे पिता के द्वारा दिया गया है इसे धारण करने में घृणा हो रही है। क्यों? क्योंकि मुझे घृणा हो रही है कि मैं दक्ष की बेटी हूं, इसका मैं त्याग कर दूंगी, अभी त्याग कर दूंगी। उसी समय
अस कही जोग अग्नि तनुजारा भयो सकल मख हाहाकारा। उस समय उनके देवी के शरीर से योगाग्नि प्रकट हो गई और देवी सती भस्म हो गई और पूरे जगत में हाहाकार मच गया। तब कहते हैं समाचार सब संकर पाए वीरभद्र करी कोप पठाए। समझ में आ रहा है ना आप लोगों, मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ क्योंकि ये कथा आप लोग सुने हैं, पता नहीं कुछ वही लोग हैं या फिर लोग चेंज हुए हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं सुना हुआ हूँ तो जो सुने हुए उन्हें समझ में आ जाएगा और बहुत साधारण मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ तो आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा, है ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब ये ना आप याद है तब तो मैं धीरे धीरे करके याद आ रहे हैं। तो जब ये भोलेनाथ को समाचार मिला तो भोलेनाथ क्या हुए, बहुत क्रोधित हुए और अपनी जटा को तोड़ा और धरती पर पटका और वीरभद्र नामक एक पुरुष विकराल प्रकट हुए, है ना, उसकी कहते हैं कि वीरभद्र विकराल विकराल पुरुष जिसका मस्तक आकाश को छू रहा था, हजारों भुजाएं थी है? और बादल के समान एकदम काले वर्ण का, सूर्य के समान चमकते हुए लाल लाल आंख और तांबे की तार की तरह पाल। शिव जी ने आदेश दिया वीरभद्र जाओ यज्ञ का विध्वंस कर दो। जो अन्य रुद्रगण थे वो अभी बोले अरे हम भी जाएंगे, हमारे स्वामी का यज्ञ लड़ाई है, जीवन किस दिन आ काम आएगा, अगर गए और विजय हो गए तो हमारे स्वामी हमको गोल्ड मेडल दिए देंगे और हार गए तो क्या हो गए शहीद कहलाएंगे, जाएंगे जरूर। तो सभी लोग गए और जा करके वीरभद्र पूरी सेना को लेकर के हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। तो उस समय वीरभद्र सभी को लेकर के गए और लेकर के जाने के बाद दक्ष प्रजापति के यज्ञ में प्रवेश हुए। कुछ गण यज्ञ के मंडप को नष्ट कर दिए तुरंत जाते ही, कुछ गण मंडप को गिरा दिए, कुछ गण हवन मंडप को तोड़ दिए, कुछ गणों ने यजमानों के रहने के स्थानों को खोद दिया, कुछ रुद्र गणों ने पाकशाला को तहस नहस कर दिया, कुछ गणों ने यज्ञ के बर्तन को तोड़ डाला, कुछ गणों ने यज्ञ को बुझा डाला, कुछ गणों ने यज्ञ कुंड में पिशाब कर दिया। अब ये तो गण है, इन्हें क्या पता कर दिए। कुछ गण दक्ष के प्रजापति के पत्नियों को डराने लगे, है ना, और उसी समय शिव जी का वह मुख्य गण दक्ष प्रजापति को ढूंढने लगा, कहाँ गया वो, कहाँ गया, खोजो खोजो। खोजने के बाद देखा कि अरे यही है, इसी ने मेरे स्वामी का अपराध किया था, उसको पकड़ा, बोले इसके मुंडी को काट देता हूं। लेकिन दक्ष प्रजापति भी कोई साधारण नहीं थे, बार बार छूट जाते थे। पकड़ा, दोनों हाथ दोनों पांव पकड़े और उसके मस्तक को हवन कुंड में रख लिया और काट दिया और मुंडी हवन कुंड में डाल दिया, भस्म हो गया, है ना। उस समय शिव जी का वह मुख्य गण देखा कि किसने किसने हमारे स्वामी का अपमान किया था। वीरभद्र को पता चला कि जब दक्ष प्रजापति शिव जी का अपमान कर रहे थे तब भृगु मुनि अपने दाढ़ी पर हाथ घुमा रहे थे, मजा आ रहा है करो करो। शिव जी वीरभद्र गए और उनकी दाढ़ी खींच के दे दिए, लो घुमाते रहो इसके पर हाथ है? बिना असुरा का पूसा नाम का देवता शिव जी के अपमान करते समय दांत दिखा रहा था, बड़ा मजा आ रहा है और बोलो बोलो। तो एक मुक्का मारा, 3200 हाथ, लो खेलना इससे, है ना। और भद नाम का देवता आंखें बड़ी बड़ी क्या बोल रहे हैं ऐसी ऐसी आंखें करके देख रहा था। शिव जी ये रुद्र गए, आंख निकाल दी, ले गोटी खेलना भी से तू। दे दिया। और इस प्रकार से सभी को सजा देने के बाद जब दक्ष प्रजापति के सर को काट दिए, सारे देवता सारे जगत में त्राही माम उठ गया और ब्रह्मा जी के शरण में सभी देवता गए और सभी देवतागण ब्रह्मा जी को लेकर के भोलेनाथ के शरण में गए और भोलेनाथ बहुत क्रोधित थे तो रुद्राष्टकम आदि श्लोकों से उनका क्या किया, स्तुति किया। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम,
विभुं व्याप्तं ब्रह्मवेत् स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहं। रुद्राष्टकम आदि श्लोक से शिव जी को प्रसन्न करने लगे। शिव जी का नाम आशुतोष है और हमारे भोजपुरी में क्या कहा जाता है, औढ़र नानी, क्या बोलते हैं हा? हमें भोजपुरी आता नहीं है, लेकिन हम आप जानते हैं हम कहां से हैं, कहां से हैं, बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर से है और वह भोलेनाथ का धाम है ना। तो आप लोगों के गाने बजते हैं औढ़र नानी भास तो समथिंग समथिंग, ठीक है। तो उसे औढ़र धानी का मतलब पता है कि औढ़र धानी मतलब क्या होते हैं, जो तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं आशुतोष ऐसा। तो भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और वापस बुलाया गया, सारी सेना को बुला गए और जितने जो लोग घायल थे, जो लोग मारे गए थे उनको, वो क्या कहते हैं जो लेकर के आते हॉस्पिटल में, क्या कहते हैं, स्ट्रेचर, हाँ वही स्ट्रेचर पर लेकर के आए। सबसे पहले भृगु मुनि को लाया गया, कहे भोलेनाथ आपके गण देखिए भृगु मुनि की दाढ़ी खींच ली है। अब मुनि बिना दाढ़ी का अच्छा नहीं लग रहा है। भोलेनाथ बोले क्या करे, अब ओरिजिनल तो नहीं आ सकती, बकरे की दे दूं। बोले दे दो कुछ तो दे दो, तो बकरी की दे दिए। पूछ नाम के देवता, बोले देखो इसके दांत निकाल दिए। बोले ओरिजिनल तो नहीं दे सकता, बकरे के दे दूं। बोले दे दो। भोलेनाथ देखो ये भद के आंखें निकाल दिए। बोले अब क्या कर सकते हैं, अपराध किया था निकल गया, बकरे का दे दो। पता नहीं बकरे से कितना प्रेम था भोलेनाथ को, बकरे का, सबको बकरे का। अंतिम में दक्ष प्रजापति को लाए, ससुर जी को भी क्या दे दिए, दक्षे का बकरे का माथा लो। इधर सती ने अपराध किया और अपराध करते वक्त क्षमा चाहूंगा, सती ने क्या किया, देह त्याग किया और देह त्याग करते वक्त उनकी क्या इच्छा थी, शिव के अपने पति के रूप में पाने की, वही उनकी इच्छा थी शुरू से। और आप जानते हैं भगवद गीता में भगवान कहते हैं क्या, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवर तम तम वेति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। मरते समय हमारी जो जो इच्छा होती है, जैसी जैसी इच्छा होती है, जो भाव होता है मरते समय हमारी, जैसी मति होती है, जहां जो मति होती है वही हमारी क्या होती है, गति होती है। इसीलिए मरते वक्त संभल के रहिएगा, कोई जरूरी नहीं है नाती पोता दादा दादी चाचा चाची को बुलाने के लिए। हमारे आचार्यों ने कहा क्या, मरना भला, बोलो मरना भला विदेश में, जहां ना आपन माटी खाए महा महोत्सव होए। समझ गए, अपने घर में कभी नहीं मरना चाहिए। अब क्या होता है आजकल तो लोग मरते हैं तो क्या करते हैं, आसपास वालों को बुला लिए, अरे दादा दादी चाचा मामा मामी फूफा फूफी बेटा पोट जो भी है सबको बुला दो। सब लोग खड़े रहते हैं और बेटा ऐसे देखते देखते मरता है, यही बहू थी जो मुझे चाय नहीं देती थी। देखते देखते शरीर छोड़ देती है बेचारा ससुर जी, अगले जन्म में चींटी बनता है और बहू के चीनी के डब्बे में पड़ा हुआ रहता है। अब बहू बेचारी गरम गरम सवेरे सवेरे गरम गरम पानी में डाल के बॉयल कर देती है ससुर जी को, लो। यही लगा रहता है। तो इसलिए मरना कहाँ चाहिए हमें, विदेश में। इस पर भी परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज एक बड़ा कड़ा शब्द कहते हैं, बड़ा कड़ा वाक्य कहते हैं, सुनेंगे आप लोग, बहुत बहुत कड़ा वाक्य, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है, सुनेंगे ना तो हृदय में ऐसा लगेगा जैसे कोई हथौड़ा लेके मार रहा है धड़ाम करके। सुनिए महाराज क्या कहते हैं, परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज यहाँ कहते हैं, टॉयलेट त्यागने का स्थान कहाँ है बताइए, बाथरूम है ना। अब कोई डाइनिंग हॉल में त्यागे तो कैसा लगेगा, बताइए कैसा लगेगा, डाइनिंग हॉल कतई टॉयलेट त्यागने का स्थान नहीं है, वैसे ही जो ये हमारा घर है वो कतई हमारे शरीर त्यागने का स्थान नहीं है। हमारे शरीर त्यागने का स्थान कहाँ है, वृंदावन मायापुर अयोध्या ऐसे पवित्र धाम है। आजकल तो पवित्र एकदम व्रत लेकर के बैठे रहते हैं, मर जाएंगे लेकिन घर में रहेंगे, कुछ नहीं कहीं बाहर नहीं जाएंगे।
बेटे लोग भले मारे, बेटा लोग कहते रहते हैं, अब राम जी इनकी सुन लेते तो अच्छा होता, लेकिन बूढ़ा बेचारा नहीं सुनता, यही रहूंगा मैं। और राम बोलो उसको भगवान का नाम जपने के लिए तो क्या बोलेगा, कहां समय मिलता है। अभी मैं भगवद गीता के दिन एक दिन भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था, तो एक 60-70 वर्ष के व्यक्ति को, मैंने एक बूढ़े व्यक्ति को बोला, प्रभु जी भगवद गीता लीजिए, आज भगवद गीता जयंती है, तो क्या बोलता है, अभी मेरी उम्र है भगवद गीता पढ़ने के लिए। गलती हो गया प्रभु जी, मेरी उम्र है। ऐसे ही हमारे इस्कॉन के भगत एक बार अपने गांव में गए थे, और गांव में गए तो आप जानते हैं भक्तों के हाथ में ये माला झोली रहती है, आप लोगों के हाथ में होगी, है ना, किसके हाथ में, कौन लोगों के हाथ में है थोड़ा उठाइए तो, कौन कौन जप करते हैं, जप करने वाली खाली उठाइएगा, जप करने वाले किनके किनके हाथ में रहता है। अरे ये क्या, सबके हाथ में होना चाहिए, और किनके हाथ में नहीं है, वन सब उठाइए, देखिए नहीं झूठ नहीं एकदम सही बोलना चाहिए, किनके हाथ में नहीं है, हम लोग कुछ उपाय करेंगे कि आपको मिल जाए, है ना, इसलिए नीचे कर लिए, अब उठाएंगे हम लोग। बकरा हलाल होगा। अब तो नहीं उठाएंगे प्रभु जी, पहले उठा सकते थे। तो भगत गए, और गए होंगे दुकान में कुछ सामान उमान लाने के लिए, तो एक वही 50-60 साल का व्यक्ति सिगरेट पी रहा था, फूक रहा था, तो ये लड़का गया इधर से जप करते हुए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो बूढ़ा व्यक्ति देखा कुछ थोड़ा पढ़ा लिखा था, है ना, कोई इंजीनियर इंजीनियर था, है ना, तो होते हैं कुछ लोग थोड़े अधिक पढ़ जाते हैं ना, तो बोलते हैं अरे बाप रे बाप, भगवान क्या है, हमारे सामने तो बच्चा है, हम ही सबसे बड़ा ज्ञानी है। तो वह उस बच्चे को बोलते हैं, क्या कर रहा है बेटा तू, अभी ये तेरी उम्र है अभी भक्ति करने के लिए, अरे जाओ 4 दिन की चांदनी ये जिंदगी है, खेलो कूदो मौज करो मस्ती करो, क्या कर रहा है तू। ये भी लड़का अगर वो साना था तो ये 1.5 साना था ये भगत, क्या बोलता है, चाचा जी आपने मेरी आंख खोल दी, आपने मेरी आंख खोल दी, आज से भजन भक्ति बंद, जप नहीं करूंगा, सही बोला आपने, मेरी उम्र हुई नहीं है, मैं क्यों करूंगा भक्ति, लेकिन चाचा जी आपकी उम्र हो गई है, आप 60 साल हो गए, ये लीजिए हरे कृष्ण महामंत्र, मुझे दीजिए सिगरेट। वो बेचारा फूकते फूकते भाग गया। ये स्थिति है, क्यों ज्ञान देगा आप बताओ, तो जो लोग नहीं कर रहे हैं वो लोग करना शुरू करते सी, ठीक है। तो शिव जी इधर समाधि में गए, और इधर देवी सती का दूसरा जन्म हुआ, किसके रूप में, किनके इधर जन्म हुआ, दक्ष के इधर से उनकी मृत्यु हुई, अब बताइए, हाँ हिमालय हिमाचल, और उनकी माता का नाम देवी। देखिए मैं थोड़ा प्रश्न उत्तर भी करूंगा, मेरी कथा का नियम है कि उधर से भी कुछ आना चाहिए इधर से भी कुछ जाएगा, मैं कल पूछूंगा कि देवी पार्वती के माता का नाम क्या, मैना, और पिता का नाम हिमालय, याद रखिएगा, कल पूछूंगा आप लोगों से प्रश्न। तो मरते समय देवी सती के मन में प्रचंड इच्छा थी कि अब मैं भोलेनाथ के साथ विवाह करूं, तो जैसे ये प्रकट हुई नारद जी आए, हाथ देखा, बताया कि इसके पति में बहुत सारे अवगुण होंगे, हिमालय बहुत कंफ्यूज हो गए क्या करें। उस समय नारद जी ने सलाह दिया, देखो भोलेनाथ से विवाह करा दो, सारे अवगुण क्या हो जाएंगे, सगुण में बदल जाएंगे, करा दो। हिमालय राजी हो गए, देवी सती को बोला, देवी पार्वती को बोला, इतने आसानी से नहीं मिलने वाले, तपस्या में लग जाओ। तपस्या में लग गई, और देवी तपस्या, देवी पार्वती तपस्या किए, और फिर उधर से सप्तऋषिगण आए देवी पार्वती का परीक्षा लेने के लिए कि भाई आप बताओ, आप शिव से विवाह करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, तो जंगल में रहता है, शमशान में रहता है, अपने लिए एक झोपड़ी भी नहीं बनाया, तुम्हारे पिता इतना बड़ा महल के मालिक हैं,
तब उन्होंने बहुत कुछ कुछ शिव के विषय में बोला, ये जवाब दी। बहुत खराब खराब शब्द जब बोले तो बोले जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरहू संभुनता रहू कुमारी। मैं बार बार कितने भी बार जन्म लूंगी, अगर मैं बरूंगी तो किसको बरूंगी, भोलेनाथ को, अन्यथा कुमारी रहू। सप्तऋषिगण प्रसन्न हुए, भोलेनाथ को गए, कहे तुम्हारी पत्नी, भोलेनाथ वाह क्या पत्नी पाओगे, तुरंत विवाह कर लो। अब भोलेनाथ जैसे ही सुने तुरंत समाधि लग गई। अपनी पत्नी के विषय में सुनकर किसी को समाधि लगती है नहीं, तुरंत खोजते फिर फेसबुक पे है क्या, क्या नाम था है? क्या नाम बताया था, व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पे तो होगी, देखूं है ना, इस प्रकार से देखते हैं। लेकिन जब इस प्रकार से समाधि लग गई तो लंबी समाधि लग गई, उधर देवी देवताओं ने सोचा अरे भाई एक ताड़कासुर नामक असुर भी पैदा हुआ था जिसको भोलेनाथ का पुत्र कार्तिकेय ही मार सकता था। देवी देवताओं ने सोचा भंग कराना पड़ेगा, अर्थात इधर कामदेव जी को भेजा और उधर भोलेनाथ गए इनके साथ डेट पक्की करने के लिए, विवाह के दिन पक्की करने के लिए। इधर कामदेव जी ने भोलेनाथ की तपस्या भंग की, आप लोग जानते हैं किस प्रकार से हुआ। उधर से ब्रह्मा जी ने दक्ष इनके साथ हिमालय के साथ इनकी पुत्री की बात को फाइनल किया, भोलेनाथ के पास आए, बताया भगवान श्री विष्णु आए, बताया कि अब विवाह कर लो। बोले ठीक है आपका आदेश है तो विवाह कर लेता हूं। लेकिन क्योंकि एक बार जल चुके थे तब तो दूध का जला छांच भी फूक फूक के पीता है ना, तो इसीलिए सप्तऋषि को भेजा था और तब वो सब प्रश्नोत्तर कार्यक्रम हुआ, सब कुछ हो गया। तब डेट फिक्स हो गए, बोले अब फलाने तारीख को विवाह होगी। बहुत सुंदर विवाह के दिन आए और विवाह के दिन सारे देवी देवता, विवाह का वर्णन करके कितने देर तक क्लास ले सकते हैं, साढ़े चार, ठीक है 15 मिनट में विवाह भोलेनाथ का संपूर्ण। तो बहुत सुंदर सभी देवी देवता समस्त अपने अपने सज सज के क्या किए चले गए और भोलेनाथ को कोई नहीं सजाया। अब इनके गंदते अरे ये देवता लोग बहुत स्वार्थी है, शादी है हमारे स्वामी की और सज रहे हैं खुद। तब तक कुछ देव उधर से गन लो, तुम लोग चिंता क्यों करते हो, हम सजाएंगे हमारे स्वामी को। ये देवता लोग स्वार्थी हैं तो क्या हुआ, शिव जी को सजाने लगे। क्या कहते हैं, शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु सवारा। कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, कनपी भूति पटके हरि छाला। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट रहि मोरु सवारा। शिव जी के गणों ने शिव जी का श्रृंगार किया। एक गण ने कहा अब ये तो रुद्र हैं, इनको तो नहाना धोना है नहीं, तो गण है ये क्या नहाएंगे धोएंगे। बोले रुको देखो ये देवतागण तैयार होने से पहले क्या करते हैं, स्नान करते हैं, मेकअप करने से पहले लोग नहाते हैं, हमारे स्वामी को नहलाना चाहिए। एक गण गया और स्मशान से ताजा ताजा फ्रेश भस्म लेकर के आया और भोलेनाथ के ऊपर 2-4 बाल्टी डाल दिया, फ्रेश हो गए स्वामी। किसी ने कहा जब दूल्हे सजते हैं तो उनके माथे पे मुकुट होना चाहिए, मोर, मेरे स्वामी का मुकुट। एक गन आया उधर से, थोड़ा डिजाइनर होगा, साइड हो जाओ मैं बनाऊंगा। उछलते कूदते गया, थोड़ा वो बर का बरगद होता है ना, बर के पेड़ से दूध निकलता है, उस दूध को लिया, भोलेनाथ की जटा को बनाया 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 और एक नंबर सुंदर मुकुट बना दिया। बोले अरे मुकुट तो बड़ा जबरदस्त है, अब माला, बोले तुम लोग दूर हटो,
एक गन गए, एक लंबे से सांप लाए और भोलेनाथ के गर्दन में डाल दिए। आप ठीक लग रहे हैं, लोग डुप्लीकेट नेकलेस पहनते हैं, हमारे स्वामी ओरिजिनल पहने। बोले अरे कुंडल दो बिच्छू लाए कान में डाल दिए, मकराकृत कहते हैं ना, वो बिच्छू जैसा बना रहता है ना, वो क्या कहते हैं मकराकृति के कुंडल वैसे बनाते। बाजू बंद, एक गन गया दो सांप के छोटे छोटे बच्चों को लाया हाथ में बांध दिया, अमंगल रूप बना दिया संसार को, परम मंगल प्रदान करने वाले भोलेनाथ का रूप कैसे कर दिया परम अमंगल। शिव जी को नंदी पर बिठाया, तैयार किया और पार्वती के गांव लेकर के पहुंच गया। शिव जैसे ही गांव पहुंचे गणों ने देखा, अरे कितना सुंदर गांव है। जब देवताओं ने देखा कि शिव जी के साथ रुद्रगण भी हैं, तो देवतागण हंसने लगे। गणों को लगा कि हमारे बारात में थोड़े कम लोग हैं, इसलिए लोग हंस रहे हैं। बोले जितने भी शमशान हैं इस दुनिया में हर जगह फोन करो और जितने भूत पिशाच है सबको बुला लो। तुरंत एकदम वायु वेग से कॉल हुआ और दाएं 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 फ्लाइट लैंड होने लगा। पटाख से तेरे बाप रे बाप, जिधर देखो उधर ही गण पूरा गांव भर गया। गोस्वामी जी लिखते हैं, अद्भुत बारात, ना भूतो ना भविष्यति। आज तक भूतकाल में कभी ऐसा बारात नहीं आया, ना और आगे आने वाला है। कैसे बारात है? बोले शिव जी के बारात में कुछ ऐसे लोग हैं जिसके बहुत सारे मस्तक हैं और कुछ लोग बिना मस्तक वाले हैं। कुछ लोग इतने हट्ठे कट्ठे मोटे तो कुछ एकदम धागे की तरह पतले। कुछ लोगों के अनेकों आंख हैं, कुछ के आंख ही नहीं है। कुछ लोगों के हाथ थे तो पांव नहीं, पांव थे तो हाथ नहीं। किसी के धड़ ही नहीं है, खाली पांव और मुंडी है। बैंड बजने लगे, देवतागण सिस्टमैटिक बैंड बाजे के साथ ऐसे ऐसे हाथ करके नाचते ना नाचने लगे। बहुत सुंदर लगे ना। गणों ने सोचा, यार यबगुल्ला की शादी में बेगाना दीवाना, शादी हमारे स्वामी के, नाच रहे हैं देवता लोग, साइड करो इन लोगों को, हम नाचेंगे। ये लोग जैसे ही नाचने लगे देवतागण साइड में हो गए, क्योंकि इनकी नाच भी विचित्र। रामायण कर रामायण में लिखते हैं अद्भुत नाच। कुछ लोग अपनी मुंडी को हाथ में उठा करके नाच रहे थे, कुछ लोग अपने पांव को दूर दूर फेंक फेंक करके नाच रहे थे, कुछ लोग हाथ को खोल खोल करके नाच रहे थे, अद्भुत नृत्य। भगवान ने इशारा किया कि इंद्र इन लोगों को साइड करो, नहीं तो बहुत कुटाई होगी यहाँ पे। तो साइड किया गया, गन लोग पीछे नहीं हट रहे थे। बोल रहे पीछे चलो, तो कहते हैं हम क्यों हटेंगे, हमारे स्वामी का शादी है। तो देवता लोग थोड़े चतुर होते हैं, बोले देखो देखो तुम्हें हटाया नहीं जा रहा है, तुम्हें बचाया जा रहा है। बोले क्यों? बोले ये गांव के लोग हैं। बोले हाँ। और तुम लोग इतना सुंदर दिख रहे हो। बोले हाँ। नजर लग जाएगी ना, साइड हो जा। बोले अच्छा अच्छा ऐसा बात है, साइड हो जाता हूँ। तो साइड हो गए। अब जैसे ही लोग गांव में प्रवेश किए, तो जितने भी पशु थे, जितने भी बच्चे थे, रामायणकार ऐसे लिखते हैं, उस गांव के जितने पशु थे, हाथी घोड़े गाय बैल, उस गांव को छोड़कर भागने लगे। शिव जी ने गण को बुलाया, बोले यार इस गांव की ऐसी प्रथा है कि अच्छे लोग प्रवेश करते हैं तो बुरे लोग भाग जाते हैं। तो गणों ने कहा कि महाराज ऐसी प्रथा नहीं है, हम लोग जहां जाते हैं वहां शुरू हो जाता है। सब लोग अपने अपने धुन में नाचने लगे और गांव में प्रवेश किए। जहां पार्वती के वहां भोजन बन रहा था, वहां होते हैं ना भोजन बनते समय 10-5 बच्चे डिस्टर्ब करते हैं, तो जो बोले जाओ जाओ बारात देकर के आओ, गांव पहुंच गई है। किसी तरह 2-4 बच्चे भागते भागते रिटर्न आए सही सलामत, बाद बाकी तो बारात को देख करके बेहोश हो गए थे। इस प्रकार शिव जी की बारात पहुंची, अद्भुत नाच हो रहा था। तो नाच गांव वालों ने देखा, आगे आगे देवता लोग नाच रहे थे, इनको गनों को पीछे कर दिया था। गांव वालों ने देखा कितना सुंदर बाराती है। अब देवी पार्वती की मां देवी मैना आरती की थाल लेकर के आगे आई। अब जैसे आगे आई तो देखा आगे भगवान विष्णु थे, तो उनको देखकर बोला अरे यही मेरा दुल्हा होगा, है ना, मेरी बेटी का दुल्हा यही होगा। आरती करने के लिए गई तो भगवान विष्णु ने बोला रुको रुको रुको, मैं दुल्हा नहीं हूं, दुल्हा तो पीछे है।
देवी मैना के आजू बाजू वाले लोग कहने लगे, वाह देवी मैना कितनी किस्मत वाली हो तुम है, जब बाराती इतने सुंदर हैं तो दुल्हा कितना सुंदर होगा, अब वो तो आने के बाद पता चलेगा। तो बारात द्वार पर आई, सभी देवतागण बाजू हट गए, गन को जबरदस्ती बाजू पीछे किया, शिव जी सबसे आगे आए, भगवान इशारा ने किया, देवी मैना यही है आपका दूल्हा, बस इतना कहना था कि देवी मैना उनको देख करके मूर्छित होकर के गिर गई, आरती की थाली गिर गई। अब आरती की थाली गिर गई, इसके पीछे आचार्यों ने बहुत सुंदर विधान दिया, आरती की थाली गिरना अशुभ मानी जाती है ना, अगर आरती की थाली गिर जाए तो क्या हो गया, अशुभ हो गया। बहुत सुंदर इसका सारस्वत अर्थ किया गया कि भोलेनाथ के सिर पर क्या होता है, चंद्रमा। अब चंद्रमा को दीपक से क्या, वो बर्दाश्त ही नहीं कर पाई और कहते हैं वो गिर गए नीचे, बर्दाश्त ही नहीं कर। अब जैसे ही देवी मैना का आंख खुला, अभी तो पहले मूर्छित हुए, मूर्छित होने के बाद भोलेनाथ भगवान से पूछते हैं, भगवान मैं इतना हैंडसम लग रहा हूं क्या आज, जो भी मुझे देख रहे मूर्छित हो जा रहे हैं, इतना हैंडसम हूं क्या। तो दो चार वरिष्ठ लोग आए, गांव वाले बाराती को पकड़ के गांव से बाहर बिठाए, अरे ये कैसे लोग हैं बारात को बाहर कर रही है। भगवान ने समझा, बोला रुको ना ठीक हो जाएगा सब, बैठो बैठो। थोड़ी बात देरी बाद जब देवी मैना को होश आया, मुख से प्रश्न निकला, नारद कहाँ है, क्या बिगाड़ा था मैंने नारद का, बुलाओ उसे। नारद को बुलाया गया, फिर समझाया गया कि देखो ये देवी सती है, ये पार्वती है, और ये भोलेनाथ के सिवा किसी अन्य से विवाह कर ही नहीं सकती है, अतः इनका जो वर है वो भोलेनाथ ही है और ये भोलेनाथ को ही वरेंगी। फिर बहुत सुंदर विवाह हुआ है ना, बहुत सुंदर कथा हुई, शिव और पार्वती कैलाश लौटे और बहुत सुंदर शिव और पार्वती का गृहस्थ जीवन प्रारंभ हुआ। शिव और पार्वती गृहस्थ जीवन की अनेक कथाएं हैं, बहुत सारी कथाएं। जैसे ही यह पहुंची तो इन्होंने यहां पे अपने पति से निवेदन किया, क्या आज की पति पत्नी शादी करने के बाद क्या होते हैं, गोवा, जनरली यही होता है गोवा, लेकिन भोलेनाथ से सीखना चाहिए, देवी पार्वती से सीखना चाहिए, क्या कह रहे हैं, धन्य है देवी पार्वती, धन्य है इनकी गृहस्थी, हरेक गृहस्थ को भोलेनाथ के जीवन का आचरण करना चाहिए, सीखना चाहिए कि किस प्रकार से विवाह के बाद क्या कह रहे हैं, धन्य है देवी पार्वती, अपनी गृहस्थ उनकी गृहस्थी तो देखिए, दोनों हाथ जोड़ करके देवी पार्वती भोलेनाथ के पास गई और गई और क्या कहते हैं, भगवान भोलेनाथ मैं आपसे एक वर मांगना चाहती हूँ। बोले बोलिए क्या है, बोले मैं आपसे एक जिज्ञासा करना चाहती हूँ, क्या, बोले मैंने पूर्व जन्म में राम के विषय में थोड़ा सुना था, मेरे गृहस्थ जीवन का शुरुआत होने वाला है और स्वामी मैं चाहती हूं कि आप मुझे राम कथा सुनाए, दुनिया की सबसे बड़ी जिज्ञासा, आप मुझे राम कथा सुनाए। अब राम कथा सुनने की जिज्ञासा जैसे ही देवी पार्वती ने किया, शिव जी प्रसन्न हो गए, शिव जी का मन नाचने लगा और राम कथा सुनने से पहले मंगलाचरण करते हुए भोलेनाथ क्या होते, क्या, मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवन
सभी लोग भोलेनाथ के साथ मंगलाचरण करिए। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। भोलेनाथ इस प्रकार से मंगलाचरण कर रहे हैं। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवौ सुदशरथ। भोलेनाथ मंगलाचरण करते हुए कहते हैं क्या, हे मंगल के निधान, हे प्रभु आप इस संसार में रहने वाले समस्त जीवों को मंगल प्रदान करना। इस संसार में यदि कोई व्यक्ति कितना भी दुखी क्यों ना हो, आपके शरण ग्रहण कर लेता है तो वह समस्त दुखों से मुक्त हो जाता है। समस्त दुखों से मुक्त होकर के मंगल को प्राप्त हो जाता है। जगत में रहने वाले लोगों को, अमंगल लोगों को आप मंगल प्रदान करने वाले, अमंगल को हरण करने वाले, मंगल प्रदान करने वाले दशरथ के पुत्र हमारे ऊपर द्रवित होइए, कृपा करिए। मंगल भवन मंगल हारी, 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 मंगल भवन मंगल भवन मंगल हारी, दवौ सुदशरथ अजिर बिहारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी, हे राजकुमारी, हे गिरजा, हे पार्वती धन्य है। क्यों? क्योंकि देवी पार्वती तुमने राम कथा सुनने की जिज्ञासा की है और आज मैं धन्याति धन्य हो गए। तुम समान मेरा कोई उपकारी नहीं। क्यों? क्योंकि आज तुमने मुझसे राम कथा सुनने की जिज्ञासा की है। कहते हैं क्योंकि राम कथा सुनने से व्यक्ति वैसे ही पवित्र हो जाता है जैसे कि देवी गंगा पवित्र है। जैसे देवी गंगा इस संसार में पवित्र है, वैसे ही राम कथा सुनने वाला व्यक्ति पवित्र हो जाता है। और जैसे गंगा स्वयं पवित्र है और दूसरों को भी क्या करती है, पवित्र करती है, वैसे ही जो व्यक्ति राम कथा सुनता है, भगवान की कथा सुनता है, वह व्यक्ति क्या करता है, दूसरों को भी पवित्र कर देता है। हरि भगवान हरि की कथा ही ऐसी है, जिन जिनके साथ बैठता है उनको पवित्र कर देता है। हे देवी, इस संसार में मनुष्य को बहुत सुंदर आगे बढ़ाएंगे। कल बहुत सुंदर भगवान का जन्म होगा और अनुग्रह
और आप सब जानते हैं जब भगवान के जन्म भगवान को हमें कुछ नहीं देना चाहिए, खाली हाथ आना चाहिए और चले जाना चाहिए, सही है? नहीं प्रभु, कुछ देना चाहिए, राइट? तो मेरा सभी से अनुग्रह भगवान को है ही है। तो इस चीज का ध्यान रखते हुए इस समय भक्तों से निवेदन है कि हम कुछ घर से शुद्धता से बना लें और भगवान के लिए क्या करें, लेकर के पिछले बार भगवान कट्टे है भगवान के लिए अवश्य जो बने खिचड़ी दाल चावल सब्जी रसमलाई पनीर चॉकलेट पसंद नहीं करते भगवान वो चीज ज्यादा पसंद करते हैं जो हम लोग खुद से, ठीक है? और अच्छे से तैयार करके आइए, सुंदर सुंदर वस्त्र उसे धारण करके आइए, क्योंकि भगवान के प्रकट होगा तो थोड़ा क्या होना चाहिए, नाच भी होना चाहिए भगवान के साथ नाचे के साथ। आप लोग तैयार होकर के आइए, बहुत सुंदर भगवान के साथ। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, भगवान श्री रामचंद्र की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, सिताय गौर प्रमानंदे हरि हरि बोल। श्री राम, हरे कृष्णा 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 हरे, हरे राम 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 हरे। प्रभु जी ने रामचरितमानस कथा के माध्यम से शिव पार्वती संवाद, शिव सती संवाद सुनाए, और वास्तव में कथा के प्रारंभ में प्रभु जी एक बहुत सुंदर बात बताए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य होना चाहिए, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना, और इसको कहीं से लाना नहीं है, ये सबके हृदय में प्रेम करने की भावना जो है ऑलरेडी है। क्योंकि अगर किसी के हृदय में प्रेम करने की भावना नहीं होती तो व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करता। आज इस संसार में चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चे हो, या फिर किसी भी योनियों में किसी भी कोई भी जोड़ी हो, अवश्य एक दूसरे से प्रेम करती है। क्यों? क्योंकि उसके हृदय में प्रेम की भावना है। लेकिन वास्तव में प्रेमास्पद विषय है कौन? इस संसार में प्रेम करने के लायक है कौन? यही किसी को पता नहीं है। कभी स्त्री से दुखी होता है तो अपने बेटे से प्रेम करता है, कभी बेटे से नाराज होता है तो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, कभी अपनी पत्नी और बेटे से नाराज होता है तो अपने पड़ोसी से प्रेम करता है, और कभी पड़ोसी से झगड़ा होता है तो समाज से प्रेम करता है, और जब समाज से तिरस्कृत किया जाता है तो वह भटकते रहता है। क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि वास्तव में प्रेम करने के लायक है कौन। प्रेमास्पद का विषय अगर कोई है के साथ प्रेम करना, यही जीव का वास्तविक स्वरूप है, और इस स्वरूप की प्राप्ति करने के कई एक साधन है। जो व्यक्ति का प्रेम कृष्ण से हटकर, भगवान राम से हटकर, संसार के जीवों में वह उस प्रेम को ढूंढ रहा है,
और भटक रहा है, कभी इसके पास कभी उसके पास। देखते हैं ना, कई एक लोग होते हैं कभी कभी किसी संस्था को ज्वाइन करते हैं, दो चार छह महीना उस संस्था में रहे, भक्ति किए, कोई लाभ नहीं मिला, चलो दूसरे बापू के पास चलते हैं। वहां गए दो तीन महीना जब साधना किए, फिर उस संस्था का त्याग कर दिए। कभी इस आश्रम, कभी उस आश्रम, कभी इस बाबा के पास, कभी उस गुरु के पास, कभी उस गुरु जी के पास, कभी इस आश्रम में, अनेकों जगह भटक रहा है व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उसके मन की शांति, उसका प्रेम, उसको पता ही नहीं है कि वास्तव में है क्या। तो प्रभु जी बहुत सुंदर बात बताए कि कृष्ण प्रेम को प्राप्ति करने के जो साधन बताए गए, वृंदावन चंद महाराज जी बताते हैं, जैसा कि प्रभु जी बताए कि हम आंखों के द्वारा भी कृष्ण को अपने हृदय में कैद कर सकते हैं, जिह्वा के द्वारा भगवान को अर्पित किए गए भोग को खाकर भी हम कृष्ण को अपने हृदय में कैद कर सकते हैं, और इन कानों के माध्यम से भगवान के दिव्य प्रेममयी गुण लीला नाम रूप को सुनकर भी कृष्ण को हृदय में कैद कर सकते हैं। लेकिन इन सारे साधनों में, ऐसे शास्त्रों में अनगिनत साधन है, लेकिन रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में प्रभु जी 64 अंग का निरूपण किया कृष्ण प्राप्ति, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने का। उसमें भी मुख्य जो है 8 है, और उस 8 में भी जो प्रभु जी बताए कि कान के माध्यम से जो हम श्रवण करते हैं, ये नंबर 1 स्थान पर है। श्रवणम कीर्तनम स्मरण अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदन, इसी का श्लोक है। आवाज मेरा बैठा हुआ है इसलिए हम नहीं गा पा रहे हैं। आज व्यक्ति संसार में क्यों भटक रहा है? क्योंकि वो सुनना नहीं चाहता, केवल कहने की बात है, कहना चाहता है। अगर दो व्यक्ति में झगड़ा हो तो सब केवल बोलना चाहता है, सुनना कोई पसंद नहीं करता है। और जब व्यक्ति बोलना चाहता है तो वहीं पर विवाद होता है। लेकिन जब व्यक्ति के अंदर सुनने की भावना आ जाए कि हमें सुनना है, तो बहुत कुछ प्राप्त कर जाता है। यहां भी इस नवधा भक्ति में भी श्रवणम, तो इतना सुंदर सुअवसर प्राप्त हो रहा है। अलग अलग भक्तों के द्वारा हमें भागवत कथा, राम की कथा, गीता अमृत क्लास, तो सुनना चाहिए। मानने के लिए कौन कहता है, कौन आप प्रेरित करता है? बिल्कुल मत कीजिए, लेकिन केवल सुनिए। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप ही एक दिन कहेंगे कि प्रभु जी मुझे भी जप करना है, मुझे भी भगवान की भक्ति करनी है। लेकिन व्यक्ति दुर्भाग्य है तो सुनता ही नहीं है, कहेगा कि इतना सुंदर आयोजन, इतनी सुंदर व्यवस्था, इतना सुंदर प्रसाद किस लिए किया जाता है? नाम कमाने के लिए? बिल्कुल नहीं। केवल एक ही उद्देश्य है, जो सुनना चाहता है, जो प्रेमी है, वो आए, बैठे, सुने और उसको लगे नहीं, भगवत गीता, भागवत रामायण ये दिव्य ग्रंथ है, इसमें मैनुअल है जीवन जीने के लिए, तो उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। बस सिंपल सी बात। तो संध्या के सत्र में भी 6 बजे, आज तो विलंब हुआ है, 6:30 बजे से हम लोग आरती करेंगे। आरती के बाद पश्चात प्रभु जी के द्वारा हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए प्रभु जी का हम हृदय से महामंत्र समर्पित करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक बात मुझे याद आ रही है, भभुआ में बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोग गुलजार वाटिका में किए थे, और वहां पर जितने भी हमारे मंदिर के सेवाकारी भक्त थे, सभी सेवा में लगे रहते थे, कुछ भी कथा नहीं सुन पाते थे। प्रभु जी ने एक दिन मीटिंग करके सबको बैठाया
और बोला कि व्यवस्था में अगर थोड़ी कमी भी हो जाए तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये व्यवस्थापक, ये सेवा करने वाले लोग जब तक एकाग्र चित से श्रवण नहीं करेंगे तब तक चित शुद्धि नहीं होगा। इसलिए मेरा भी एक यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि जो भी सेवाकारी भक्त है, प्रसाद लगाने की सेवा, काउंटर पे बैठने की सेवा, बाहर से आए हुआ अतिथि को रिस्पेक्ट करने की सेवा, ये सब कुछ करना है, लेकिन इन सभी सेवाओं में जो सबसे मुख्य सेवा है, आप समय निकालकर यहाँ सामने बैठिए और सामने बैठकर सुनिए। जो बाहर से आएंगे उनकी सेवा बाद में भी की जा सकती है, प्रसाद पहले से ही लगा कर रेडी कर दीजिए, लेकिन सुनिए। अगर चाहते हैं तो आप पहले अपने आप को सुधारिए, फिर जग को सुधारने का प्रयास कीजिए। जितने भी व्यवस्थापक सेवाकारी भक्त हैं, कहीं भी बैठकर इत्मीनान के साथ इन रस को, इस भागवत के ज्ञान को सुनने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये भक्ति का पहला अंग है। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक कुछ कर नहीं पाएंगे जी। ये प्रभु जी का हम निर्देश से महामंत्र से बार फिर करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे। अभी भागवत जी की आरती होगी, आरती के पश्चात सभी लोग प्रसाद लेकर जाएंगे। हरे कृष्णा, आरती का पृष्ठ लगा है। भारते अति पावन पुराण निधान के आरती पावन पुराण मल मथन त्रितापनिवारे काम मृत्यु भय भयहारिणि। ताली बजाते हुए सभी लोग सेवत सतत सकल सुख कारिणि सुमह सदि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की विमल विराग विभि विमल विवेक
भगवत तत्व रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिका हृदय रस रस विनाशिनी भोक्ति मुक्ति अति प्रेम सुदासिनी रिवो कथाय किंचन प्रिय सुजानकी आरती अति पावन पुराण की धर्म वाक्य विज्ञान गान की हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे करना है तो ध्वनि काम करिए और जोर से कीर्तन करिए hare rama hare 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 krishna 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 hare rama hare rama राम राम हरे हरे आप कैसा कर रहे हैं हरे हरे बो हरे कृष्ण हरे कृष्ण hare hare hare
Hare Krishna Hare Rama Hare 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 जय विश्वनाथ परमहंस परोपकारी श्री पर श्रीमद कृष्ण कृपा मुक्ति वचन अरविंद भक्ति विधान स्वामी श्री प्रभुपाद की जय विश्वनाथ परमहंस परोपकारी श्री पर श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री भागवत महापुराण की श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की निताई गौर प्रेमानंद हरि हरि बोल। अगला कार्यक्रम शाम में 6:30 बजे बहुत सुंदर गौर आरती डांसिंग कीर्तन नरसिंह आरती हरि बोल।